सभी के लिए जय भीम। जय भीम। जय भीम। आज तारीख 11 महीना 9 2022 को हमारे हर दिल की धड़कन हमारे बड़े भाई श्री सतपाल नवाब सतपाल तंवर जी ने मथुरा में जानी मानी हस्ती रहने वाले हमारे अनोखे लाल भाई हैं, हमारे भाई हैं, इनको जिला मथुरा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं इनको दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। और दूसरे नंबर पर हमारे बहुत ही पुराने साथी और बहुजन समाज में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले बड़े भाई श्री मुनेश कुमार जी, इनको आगरा मंडल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इनके लिए बार बार शुभकामनाएं एवं बधाई। नियुक्ति पद हमारे बड़े भाई श्री नवाब सतपाल तंवर जी अपने कर कमलों से अपने निज हाथों से दे रहे हैं। एक बार हमारे बड़े भाई के नाम की जोरदार तालियां बजाई जाए। मंडल अध्यक्ष, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद शायर साहब को, शक्ति शायर जी, समाज के दिलों की धड़कन तो आप है शायर साहब, और श्री मुनेश कुमार जी हमारे पुराने साथी हैं और उपाध्यक्ष पद पर फिलहाल जो है वो कार्यरत थे, जिन्हें हमने जो है मुनेश कुमार जी आपको प्रमोट कर दिया है, प्रमोट करके आपको पदोन्नत करके हम एक विशेष मेन अहम जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी है आगरा मंडल अध्यक्ष की। तो आज से आपकी पहचान के नाम से जो है वो जानी जाएगी। सभी मीडिया के साथी भी ध्यान दें, सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी भी ध्यान दें, और हम आपको नियुक्ति पत्र देकर इस नियुक्ति से आपको संबोधित करें। नीली पगड़ी पहना करके हम भाई मुनेश जी का स्वागत करते हैं। शेर जी धार भात वाले करते हैं, इंसानियत की रक्षा जज्बात वाले करते हैं, और दोस्तों करने वाले तो जाने क्या क्या करते हैं, जय भीम तो दोस्तों औकात वाले करते हैं। जय भीम। अब अगली नियुक्ति है मथुरा जिले से, मथुरा जिले से हम जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं आपको अनोखे लाल जी। तो इस नई पुराने साथी है, पुराने पदाधिकारी हैं, आपको बताएं तो पदोन्नत किया जा रहा है। अनोखे लाल जी आपको मथुरा जिलाध्यक्ष के रूप में हम नियुक्त कर रहे हैं, आगरा मंडल में मथुरा जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनोखे लाल जी संभालेंगे। सभी साथी ध्यान दें, सभी कार्यकर्ता साथी ध्यान दें, सभी पदाधिकारी साथी ध्यान दें, और सभी मीडिया के साथी भी ध्यान दें। अनोखे लाल जी हम नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित। अनोखे लाल जी काम अनोखे करते हैं अपने अनुसार, और हमें पता है कि जो काम अनोखे होते हैं ना वो कामयाब भी होते हैं। तो ये दो शेर जो है आज जिम्मेदारी संभालेंगे, सेना के दो शेर शायर जी। जी तो इस नियुक्ति पर पूरी टीम को और आप दोनों साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ मैं बात भी कहना चाहता हूँ, वो साथी सुन रहे हैं पूरे देश भर से। बोलिए सर, आप बोलिए कंटिन्यू। हाँ, कुछ बहुत से साथी पूरे देश भर से सुन रहे हैं। देखिए, आगरा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमने जो है मुनेश भाई को सौंप दी है, पूरी अपने हिसाब से जो है मंडल को संभालेंगे, और मथुरा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमने अपने भाई अनोखे लाल जी को सौंप दी है, अपने हिसाब से जिम्मेदारी संभालेंगे। और दूसरी बात आ जाती है कि आगरा मंडल की, आगरा मंडल में प्रभारी की नियुक्ति हम बहुत जल्दी करेंगे, और आगरा मंडल में जो प्रभारी की नियुक्ति जल्दी की जाएगी, आगरा मंडल में प्रभारी आगरा जिले से लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो आगरा मंडल महासचिव की नियुक्ति आती है, महासचिव को हम अन्य जिले से लेंगे, जैसे कि मेनपुरी है, जैसे कि एटा है, एटा भी आता है नहीं आता है, मेनपुरी जिला आता है, मेनपुरी जिले में जो है वो हम
महासचिव की नियुक्ति जो करेंगे वो मीरपुरी जिले से करेंगे, आगरा मंडल महासचिव की नियुक्ति। तो ये भी ध्यान रहे कि भीमसेना का कारवां, भीमसेना का परिवार लगातार बढ़ रहा है, और अभी जो है सदस्य एट प्रेजेंट संख्या जो हो गई है भीमसेना में, वो पूरे देश भर में भीमसेना के भीम सैनिक 26,50,519 ये संख्या पहुंच चुकी है, जो एक बहुत बड़ा बयान है। एक बात और बता देते हैं आपको कि देश भर में हमारी टीम में कार्यरत है, हर एक राज्य के अंदर भीमसेना काम कर रही है, लेकिन हमने अधिकतर फोकस किया है जिलों के ऊपर, अधिकतर फोकस किया है आज तक तहसीलों के ऊपर। कहने का मतलब साफ है कि हमने पैसा नहीं कमाया, हमने भरोसा कमाया है। आगे जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, हम नए सिरे से जम्मू कश्मीर स्टेट की नियुक्ति करेंगे, यूटीआई यूनाइटेड टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर से हमने अब नई टीम का गठन करना है, नई टीम तैयार है, और जम्मू कश्मीर से कोई साथी अगर पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो साथी पुराने जुड़े नहीं हुए हैं, बहुत सारे साथी भीमसेना में आना चाहते हैं, दामन छाव साथ थामना चाहते हैं, भाई ये तो एक तरह से भीमसेना एक बड़ा घर है, एक बड़ी छत है, अगर भीमसेना इस बड़ी छत के नीचे पूरा बहुजन समाज आकर के सुरक्षित महसूस करता है तो जल्दी से जल्दी भीमसेना में आ जाना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रहे कि भीमसेना आपका अपना संगठन है, आपकी अपनी संस्था है, आपका अपना परिवार है, नवाब सतपाल तंवर तो आपके सेवक है। जय भीम, जय भीम। जैसे कि विदित है, आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर, जो कि युवाओं की धड़कन, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले, युवाओं के हृदय सम्राट, आज उन्होंने मुझे मंडल आगरा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी ईमानदारी से निभाते हुए, जो विश्वास मुझ पर हमारे नवाब सतपाल तंवर जी, जो कि भीमसेना के चीफ है, उन्होंने जताया है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाने की भी कोशिश करूंगा, निभाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी सम्मान के साथ मैं अपने भीमसेना के चीफ बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी को ये नीले रंग का सहरा पगड़ी पहनाकर सम्मान करूंगा, सितारों के साथ। जय भीम, जय भीम सेना, विजय भीम सेना, जय भीम सेना, विजय भीम सेना, जय भीम सेना, विजय भीम सेना। और गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं, गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं, गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं, गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं। मैं अनोखेलाल जाटव, मथुरा से, मुझे जिलाध्यक्ष मथुरा का चुना गया है, और मैं अपनी ईमानदारी से और इस संगठन को बढ़ाने का काम करूंगा, और पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से इस मिशन में, इस मूवमेंट में काम करने का योगदान दूंगा। जय भीम।